और अब बात आरजेडी को लेकर बीजेपी सांसद और मंत्री अन्नपूर्णा देवी के बयान की। आरजेडी ने अन्नपूर्णा के बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि लालू यादव के कारण उनको जनता जानी और आरजेडी ने उनको पहचान दिलाई। फिर उनका बयान, ये बयान उनकी लॉयल्टी को दर्शाता है। सुनिए आरजेडी के जिला अध्यक्ष रामधन यादव का क्या कहना है पूरे मामले पर। कैसा राजा, वो आप लोगों को पता होगा, जो शायद जो नहीं रहते हैं उसे ही नहीं पता। 1998 में स्वर्गीय रमेश यादव जी नहीं रहे और उनके नहीं रहने के बाद वही राजा जो माननीय लालू यादव जी के द्वारा बनाया गया था और माननीय लालू यादव जी के ही द्वारा वो चुनाव लड़ाया गया पूरे कोडरमा विधानसभा में, और पूरे कोडरमा विधानसभा में कई एक सभा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी के द्वारा किया गया, जिसमें उनकी जीत हुई। जीत होने के बाद अब लगातार आप देख रहे हैं कि मंत्री से लेकर विधायक तक, पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश तक, इवन 2019 तक वही राजद में थी, और इसके बावजूद अगर इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि बहुत हास्यास्पद बात है। और इस तरह की बात का हम लोग जो पार्टी की ओर से पूरे निंदा करते हैं कि कौन राजद, कैसा राजद, ये तो पूरे विश्व के लोग जानते हैं। कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के कार्यकाल में उनके द्वारा जो है सो विदेश में सीखने के लिए लोग बुलाते थे, उनको क्लास लेते थे माननीय लालू यादव जी, उनका राजद था। इसलिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बचपना हरकत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कोडरमा जनता के लिए, कोडरमा लोकसभा जनता के लिए एक गलत मैसेज जाएगा। और हम पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह की बयान का हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले आगामी चुनाव में वो राजद को अपने से भारी देखते हुए वो इस तरह के बेतुकी बयान कर रहे हैं? अब वो किस वजह से बयान दी नहीं दी, उनका क्या पार्टी का अपना आदेश था, पार्टी के आदेश से बयान दिए या तो अपने से बयान दिए, आने वाले दिनों में हमारे ऊपर के लोग सुप्रीमो वो तय करेंगे कि कौन राजद में रहेंगे, कौन राजद में जाएंगे। आप देख रहे हैं कि वही राजद है जो बिहार में अभी 80 विधायक है, आपका झारखंड में 5-6 जगह ऐसा है कि हमारे लोग चंद वोट से हारने का काम किए 2000, 3000, 1500, 1700 से। और आपका आप देखिए कि अभी भी हमारे राजद के एक विधायक है, अब झारखंड सरकार में वो मंत्री, झारखंड सरकार में हम लोग गठबंधन है, वही राजद। इसलिए इनको देखना चाहिए कि कौन राजद है, कैसा राजद है, बोलने से पहले 100 बार इनको समझना चाहिए।